उदाहरण 13, दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल। माना माना दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक 1/10 का अंक एक्स है, तब वह संख्या बराबर 10x 1/10 के अंक को 10 से गुणा करेंगे तो 10x 1 के अंक को 1 से गुणा करेंगे तो y × 1 = y, तो संख्या बन जाएगी 10x + y। वह संख्या बराबर 10x + y होगी। इसीलिए प्रश्नानुसार सात संख्या का 7 गुना तो 7 × 10x + 4 = 4 गुना संख्या को पलटने पर उलटने पर तो संख्या का उलट जो पलटे संख्या को पलटने पर हमें प्राप्त होगा 10y + x, या कोष्टक को खोलने पर 7 × 10x = 70x + 7y = 4 × 10y = 40y + 4 × 1 = 4x, या 70x 4x का पक्षांतर करने पर -4x और 40y का पक्षांतर करने पर -40y + 7y = 0, या 70x में से 4x को घटाने पर 66x और -40y को -7y से जोड़ने पर हमें -33y प्राप्त होगा = 0। -66x − 33y में 33 को उभयनिष्ठ दोनों पदों से उभयनिष्ठ निकालने पर 2x − y = 0, या 2x − y = 0। 2x − y = 0, ये हमारा समीकरण 1 है। तथा प्रश्न अनुसार x + y दो संख्याओं के अंकों का योग प्रश्न में दिया है 33, तो x + y = 3, तो x + y = 3, ये हमारा समीकरण
दो है। आगे देखते हैं, समीकरण एक और दो जोड़ने पर समीकरण एक और दो जोड़ने पर समीकरण एक का बायां पक्ष है हमारे पास 2x ऋण y, और समीकरण दो का बायां पक्ष है हमारे पास x धन y। क्योंकि दोनों समीकरण एक और दो को हम जोड़ रहे हैं तो इसमें योग का चिन्ह लगा, बराबर समीकरण एक के दाएं पक्ष में शून्य है और जोड़ने के लिए धन का चिन्ह, और समीकरण दो के दाएं पक्ष में तीन है। या 2x धन x बराबर 3x और ऋण y धन y का योग शून्य हो जाएगा तो 3x बराबर 3, या x बराबर 3/3, या x बराबर 1। तो हमने प्राप्त किया समीकरण में x का मान x बराबर 1। समीकरण x बराबर 1 का मान हम समीकरण 2 पर रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमारा समीकरण 2 जो है वो है x धन y बराबर 3। यहाँ पे हम x का मान 1 रखेंगे तो 1 धन y बराबर 3, या 1 का पक्षांतर करने पर y बराबर 3 ऋण 1, या y बराबर 2। तो y का मान हमें प्राप्त होता है y बराबर 2। अब संख्या हमें ज्ञात करना है तो संख्या को हमने लिया था 10x धन y के रूप में हमने माना था। तो x का मान हम 10 गुणा 1, x का मान हमने 1 प्राप्त किया धन y का मान 2 बराबर 10 धन 2 बराबर 12। अतः वह संख्या बारह है। यह इस प्रश्न का हल होगा।